घुमार में की अग्रणी समाज सेवी संस्था संस्कार सोसाइटी द्वारा गाहर पंचायत के बाह गांव में विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया। संस्था द्वारा पिछले वर्ष भी बाह में पौधा रोपण किया गया था। पिछले वर्ष लगाए गए पौधा का संरक्षण भी किया गया तथा सड़कों पर घूम रहे बेसहारा पशुओं से पौधों को बचाने के लिए ट्री गार्डन भी लगाए गए। संस्था के अध्यक्ष अमृतलाल कतना ने बताया कि कोविड-19 के कारण इस बार सभी सदस्यों ने निर्णय लिया था कि संस्था द्वारा पिछले वर्ष जिन जिन स्थानों पर पौधारोपण किया गया था वहां पर संस्था के कुछ लोग स्थानीय लोगों ने नए पौधे लगाने के साथ साथ पुराने लगाए गए पौधों का संरक्षण भी किया। उन्होंने बताया कि जहां पर जरूरत होगी वहां पर ट्री गार्ड भी संस्था के द्वारा लगाए जाएंगे। इसी कड़ी में संस्था के द्वारा बाह में स्थानीय लोगों व संस्था के सहयोग से पौधारोपण किया गया। संस्था के अध्यक्ष ने बताया कि इस बार खैर, अर्जुन, साजन, सिल्वर रॉक, जामुन, पीपल आदि के पौधे लगाए गए और आगे भी विभिन्न स्थानों पर संस्था की ओर से पौधे रोपित किए जाएंगे। संस्कार सोसाइटी मार्मी की तरफ से पिछले वर्ष 2019 में यहाँ पे वृक्षारोपण किया गया था, उसकी 30% सर्वाइवल हुई, बाकी जो खाली स्थान बचा था उनमें हमने इस साल नए पौधे लगा दिए। हम संस्कार सोसाइटी के बहुत ही आभारी हैं, सारे ग्रामवासी इनका बहुत बहुत यहाँ इस कार्यक्रम को करने के लिए स्वागत और धन्यवाद करते हैं। पुराने और नए पौधों के लिए सुरक्षा के लिए हमने यहाँ पे संस्कार सोसाइटी ने थोड़े प्रोटेक्शन के लिए किरडू, बांस के किरडू बनाए जो सब में लगा दिए गए। इस वर्ष कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सक्षम लोगों ने यहाँ पे प्रोग्राम किया गया और यहाँ की जो सोशल डिस्टेंस को रखते हुए बहुत कम लोग बुलाए गए, जिसमें कि सिर्फ 8-10 आदमी थे जिन्होंने ये पौधों की सर्वाइवल की के लिए किरडू लगाए यहाँ पे रक्षा के लिए।